एक कहानी सुप्रीम कोर्ट में सुनाई गई, दूसरी कहानी का सबको इंतजार। जनरल फैज हमीद किसके कहने पे शौकत अजीज सिद्दीकी के घर गए, मुलाकात में क्या बातचीत हुई, क्या जनरल फैज हमीद ने दबाव डाला था। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी नई कहानी ले आए। अंसार अब्बासी के मुताबिक जनरल फैज हमीद से एक जरिए ने बातचीत की जिसपे उन्होंने अलग कहानी सुनाई। जनरल फैज हमीद ने मुलाकात की तस्दीक भी की। जराए के मुताबिक बातचीत का मौजू आप पारा इस्लामाबाद में ISI हेडक्वार्टर के सामने सड़क खोलने के हवाले से जस्टिस सिद्दीकी के हुक्म का था। इब्तदाई तौर पर एक ब्रिगेडियर को जस्टिस सिद्दीकी से मुलाकात करने और सड़क खोलने के लिए अदालत की हिदायत में शामिल हसासियत पे बात करने का काम सौंपा गया। तमाम फौजी अफसर और जज के दरमियान मुलाकात अच्छी नहीं रही। फिर यही काम उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज हमीद को सौंपा गया, जो उसी ब्रिगेडियर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस से मिलने गए। दावा किया जाता है कि ISI के DGC ने सड़क के मसले के हवाले से ISI की दरख्वास्त पे दबाव डाला था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इससे इत्तफाक नहीं किया और DGC से कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। दूसरी तरफ जस्टिस सिद्दीकी ने ISI पर अतिया के मामलों में मुदाखलत का इल्जाम आयद किया और कहा कि एजेंसी के कुछ अफसरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंचों की तश्कील में हेरा फेरी में मुलव्वस हैं। जस्टिस सिद्दीकी ने ये इल्जाम भी आयद किया कि जनरल फैज चाहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2018 के इंतखाबात की सियासी जोड़ तोड़ के लिए जेल में रहें।